मेरे पास है ये प्लेस्टेशन टीवी, पीएस वीटा के गेम्स मौजूद हैं इसमें। मेरे पास मौजूद है ये एचडी आर्केड स्टिक है, इसमें सारे गेम्स MEM32, नेटेंडो DS, नेटेंडो वी के गेम्स जो है मौजूद हैं इसमें। एक्शन फिगर्स जो है ये मौजूद हैं मेरे पास। एक्सबॉक्स 360, PS3 के और PC के स्टीयरिंग व्हील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आया हूँ अपना अदनान भाई की शॉप पर, मरियम एक्सेसरीज पर। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी माशाल्लाह बेहतरीन स्टॉक, यूनिक स्टॉक भी लेकर आए हैं कुछ अपना, क्या कहते हैं अदनान भाई यहाँ पर। तो फ़िलहाल उन सब की प्राइसेस वगैरह पूछेंगे। और जैसे कि इस बार आपको PS3 के मूव और कैमरा भी यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, और ये प्लेस्टेशन TV भी आपको मिल जाएगा जो PS वीटा का एक छोटा वर्जन है, पर है वही चीज़। और आपको ये पता नहीं एक गेम है, तो इसका भी डिवाइस है कोई गेमिंग, जिसमें सेगा के हर जो भी अटारी के जितने भी उस टाइम के गेम कंसोल वगैरह थे उन सब के गेम्स इसमें अवेलेबल हैं, उस वो भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस और PS3 PS4 वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है अपना अदनान भाई के पास। एक्सबॉक्स 1 भी अवेलेबल है, एक्सबॉक्स 1 के जैसे कि वायर वाले कंट्रोलर भी यूज़ में यहाँ पे अवेलेबल है अच्छी कंडीशन में। और जैसे कि एक्सबॉक्स 360 के अपना स्टेयरिंग व्हील्स का लोग पूछ रहे थे, तो वो भी इस बार अवेलेबल है। एक्सबॉक्स 360 के ओरिजिनल स्टेयरिंग व्हील जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो उन सब की प्राइसेस वगैरह यहाँ पे पूछी जाएगी अभी। और जैसे PSP यहाँ पे मौजूद है वाइट कलर में, इसकी प्राइस पूछेंगे। और एक्शन फिगर्स भी कुछ हैं, तो उनकी भी प्राइस वगैरह जो भी है अपना अभी अदनान भाई बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक ठाक। अच्छा, तो अदनान भाई सबसे पहले अपनी शॉप का एड्रेस और नंबर वगैरह बता दें। मेरी शॉप जो है वो रैम्बो सेंटर में है, फर्स्ट फ्लोर पर, मरियम एसेसरीज के नाम से शॉप, F84 है। और आपका व्हाट्सएप नंबर? और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03153015226। और शॉप की टाइमिंग क्या है? शॉप की टाइमिंग जो है वो 12 बजे के बाद, 12 से लेकर 9:30 से 10 बजे तक। सही। और आप कब तक अवेलेबल हो जाते हो? मैं जो है वो 2 बजे के बाद अवेलेबल होता हूँ। सही, संडे क्लोज होता है जी? संडे क्लोज होता है, 6 दिन ऑन है, संडे क्लोज है। सही, संडे क्लोज। और क्या कहते हैं, किसी को अपना कंसोल वगैरह गेम्स वगैरह सेल करना है, एक्सचेंज करना, कंट्रोलर भी गेम्स भी ये सेल एक्सचेंज, अगर किसी को अगर अपना कंसोल वगैरह एक्सचेंज करना है, PS3 दे के PS4 लेना है, तो वो फैसिलिटीज भी मौजूद है हमारे पास। और एक्सबॉक्स 360 वगैरह, PS4, एनी गेम्स कंसोल जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं तो हम परचेस करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं हमारे पास ना। सही है। तो अच्छा, होम डिलीवरी सर्विस क्या है? इसके अलावा आप डिलीवरी जहाँ पे भी बोलेंगे वहाँ कर देंगे, आउट ऑफ सिटीज़, कराची के अंदर कहीं पे भी बोलेंगे वहाँ कर देंगे आपको। सही है। बाइक के थ्रू आउट ऑफ सिटी भी अवेलेबल है? आउट ऑफ सिटी भी, एडवांस पेमेंट है। सही है, सब चीज़ों की एडवांस पेमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे आउट ऑफ सिटी भी और इन कराची भी आउट ऑफ एडवांस पेमेंट है। अच्छा, वारंटी का क्या सीन है? वारंटी जो है 1 वीक वारंटी है जी, और
एक्सबॉक्स 360 की 1 वीक वारंटी है, और जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने PS3 और PS4 की जो है वो 3 डेज की चेकिंग वारंटी होती है। वारंटी सही है, यहाँ पे ये सब हो गया। तो आप प्राइसेस पर आते हैं, सबसे पहले PS5 के रेट बताएं क्या चल रहे हैं। PS5 के जो है 162 है, 162 रेट है, ब्रांड जापान जी। सही है। अच्छा यूके यूएसए वाले के क्या रेट है? यूके यूएसए जो है वो आपको मिलेगा 170 का वो पड़ जाएगा। सही है। और अब दूसरे कंसोल्स पर आए तो PS1 आपके पास अवेलेबल होता है, तो इसके क्या रेट है अभी? PS1 जो है वो 6000 का है। 6000 का PS1 आप दे रहे हो, सही है, ऑल एक्सेसरीज के, ऑल एक्सेसरीज के साथ। और वहीं अपना PS2 के क्या रेट है? PS2 जो है अगर HDMI वाला लेंगे तो वो आपको 12000 रुपए का मिलेगा। सही है। और अगर नॉन HDMI लेंगे जैसे AV वाला लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 10500 रुपए का। 10500 रुपए का वो पड़ जाएगा। सही है। और अब इसका ये बताएं, ये जो आपके पास डिवाइस है HP की डिवाइस है, जैसे आजकल करीब से दिखा दें, आर्केड जॉयस्टिक जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना लोगों में यूज है, तो उसी नेट है ये, पीछे दिखा दें। इसमें 10000 से अबव गेम्स हैं। सही सही है। साइगा न्यू जो साइगा के हैं, मैम 32 के हैं, और सारे HD में है ये। सही। जैसे PS2 AB में है ना, तो ये HD में है, इसकी ये खसूसियात है इसमें ना। सही है। इसमें जो है ना HD में है सारे रिजल्ट, जैसे किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, सिनो ब्रॉस वगैरह, ये सब HD में आएंगे इसमें ना। और निंटेंडो DS और निंटेंडो VK भी गेम्स हैं इसमें। तो क्या इसकी प्राइस आप कोट कर रहे हैं? इसकी प्राइस जो है 9500 रुपये है। सही है। विदाउट कंट्रोलर। सही। इसके अलावा इसमें एनी कंट्रोलर जो है PS4, PS3, Xbox 360, PC सब कंट्रोल्स जो है इसमें जो है वो चलते हैं, यानी कि हर कंट्रोलर इस पे अवेलेबल वो चल जाएगा। जी चल सही जाएगा। सही है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा कंट्रोलर जो है ना, आप किसी के हाथ में जो है कंफर्टेबल होता है Xbox 360 का, किसी के हाथ में कंफर्टेबल होता है कि PS4 का या PS3 का, तो जो चॉइस करेंगे वो कंट्रोलर इसके साथ अटैच कर देंगे। Xbox One का कंट्रोलर लग जाएगा? Xbox One का भी लग जाएगा इसमें। सही है। तो यहाँ पर वायर के साथ। सही है। तो इसके वैसे 9000 प्राइस है, विदाउट कंट्रोलर आपके ऊपर है कि आपने कौन सा लेना है? आपने कौन सा लेना है? अगर आपके पहले से कोई कंट्रोलर मौजूद है तो वो आपको फिर लगा सकते हैं। सही है। और ये हो गया। अच्छा ये Xbox 360 का ये आप बोल रहे थे कूलर है, ये दिखाएं जरा करीब से भी। ये इंटर कूलर है जी, हीट का प्रॉब्लम आता है Xbox 360 पैड में, तो उसके लिए जो है ना ये इंटर कूलर है। अब ये आपको जो है पड़ेगा 2500 रुपये का। सही सही है। और ये जो है आपका जो है ना हीट से जो है बच जाएगा, फैट के लिए यूज़ होता है ये Xbox 360 पैड। अच्छा Xbox 360 पर आए तो फैट के पहले आप रेट बताएं क्या है? फैट जो है वो आपको पड़ेगा 21000 रुपये का, क्योंकि आजकल चल रहा है आउट ऑफ स्टॉक। 21000 रुपये का जी फैट। सही 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 है। और इसके अलावा स्लिम लेंगे तो वो आपको मिलेगा 24000 रुपए का। ये एक कंट्रोलर के साथ बता रहे हैं? कंट्रोलर के साथ, सिंगल कंट्रोलर के सही साथ। सही है। और अल्ट्रा स्लिम लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 25000 का। 25000 का। तो फिर भी अगर देखा जाए बस फैट के रेट ही यहाँ पे इनकी शॉप पर ज़्यादा हुए हैं, और स्लिम के अल्ट्रा सेम के तो फिर भी ये 25 दे रहे हैं। इस वजह से हुआ है क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, स्टॉक आ जाएगा तो फिर वही 20-19 इस तरीके से हमारे पास जो है प्राइसेस होती है इनकी ना। अब मार्केट में बहुत ही ना के बराबर स्टॉक अवेलेबल है Xbox 360 का, तो फिलहाल जिसके पास जो जो स्टॉक है महंगा ही उन्होंने उठाया हुआ है, क्योंकि जो इनके पीछे से भी जो स्टॉक आता है वो उनके पास ही अवेलेबल नहीं है अभी स्टॉक ना, तो इसलिए वो भी उनके पास ही थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो भी रेट हाई हुए हैं। हाँ हाई हुए हैं। कॉमन रेट जो है वो 19-20 है। हाँ तो ये हो गया यहाँ पर। सही है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों पर। तो ये PS वीटा आपके पास मौजूद है, PSP वाइट कलर में, कौन सा मॉडल है ये? PSP 1000 है, ये आपको मिलेगा 11000 रुपये का। 11000 रुपये का ये मिल जाएगा। सही। ये PSP जो है 1000 है, 32 GB कार्ड लगा हुआ है इसमें, बिल्टन गेम्स हैं इसमें, 25-30 गेम्स डले हुए हैं, इंस्टॉल्ड हुए हैं, और ये आपको मिलेगा 11000 रुपये का। 11000 का ये मिल जाएगा। सही है। अच्छा यहाँ पे आपके पास ये PlayStation TV मौजूद है, PS वीटा का ये छोटा वर्जन जो है, ये इसके बताएं ज़रा क्या सीन है? ये PS TV है, इसके अंदर PSP के गेम्स इंस्टॉल्ड हैं और PS वीटा के गेम्स इंस्टॉल्ड हैं, और जो है ये इसकी कीमत जो है वो आपको मिलेगी 13500 रुपये। 13500 रुपये इसकी आप प्राइस कोट कर रहे हैं। सही है जी। ये 64 GB कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। सही है। बाकी उसके अंदर गेम्स हुए हैं PSP के और PS वीटा के। सही। और यहाँ पर हम आए तो ये Xbox One का ये काइनेक मौजूद है आपके पास, तो क्या इसके रेट है? इसकी प्राइस जो है वो 4500 रुपये है। 4500 रुपये है इसकी प्राइस। सही है। और ये Xbox One S भी मौजूद है यहाँ पे। वन एस जो है वो आपको मिलेगा 55000 का, 1 TB। 55000 का 1 TB दे रहे हैं। और वही PS3 Slim जो है वो आपको मिलेगा 25000 का, 320 GB। और इसमें अल्ट्रा स्लिम लेंगे आप PS3, ये 28000 रुपये का मिलेगा 500 GB के साथ। 28000 रुपये का 500 GB के साथ टू कंट्रोलर्स हैं इसमें जी।
और यहाँ पे PS4 की तरफ आए तो फैट की आप रेट बताए। 500 PS4 फैट जो है वो आपको मिलेगा 45,000 का, नॉन जेल ब्रेक। और जेल ब्रेक लेंगे तो वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर रिपेयर अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा 58,000 का। सही। और अगर नॉन रिपेयरेबल चाहिए तो वो आपको पड़ेगा 68,000 का। 68,000 जी, 70 to 68 जी। और इसी में अगर आप स्लिम लेंगे जैसे नॉन जेल ब्रेक तो 500 GB आपको पड़ेगा 55,000 का। सही है। इसी में 1 TB लेंगे तो 60,000 का मिलेगा आपको। सही है। और जेल ब्रेक में लेंगे तो 75,000 का पड़ेगा 500 GB, और 1 TB में लेंगे 82,000 का पड़ेगा जेल ब्रेक। अच्छा, 1 TB फैट आपने 1 TB के क्या रेट बताया? 1 TB जो है वो नॉन जेल ब्रेक जो है वो 50,000 है। 50,000 जी नॉन जेल ब्रेक। प्रो जो है वो आपको मिलेगा 75,000 का नॉन जेल ब्रेक। जेल ब्रेक जो है वो 1 लाख अबव है। अच्छा, लाख जी, 1,02,000 रुपये 1 लाख रुपये तक का मिल जाएगा। अच्छा, जी इसके रेट तो काफ़ी हाई हो गए हैं। और यहाँ पे PS4 हो चुका है, Xbox One भी हो चुका है जो इनके पास अवेलेबल था। अब हम आते हैं अपना PS4 के कॉपी कंट्रोलर्स हैं, ब्रांड न्यू कितने? ये कॉपी नहीं, ये ओरिजिनल वाले हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल वाले हैं। ये न्यू हैं, बस समझ लें 10x10 कंडीशंस में हैं। ये मिलेंगे 8,500 रुपये के, 8,500 रुपये के ब्रांड न्यू कंडीशन पे। और इसी में न्यू में अगर आप कॉपी मिलेंगे तो कॉपी आपको पड़ेगा 3,500 रुपये का। कॉपी 3,500 रुपये का पड़ जाएगा। सही है। अच्छा, ये Xbox One के कंट्रोलर्स पर आए, ये वायर वाले की क्या प्राइस है? वायर वाले की प्राइस जो है ये आपको मिलेगा 4,500 रुपये का। 4,500 रुपये का ये यूज में। अच्छा, और वैसे ये सीरीज वाला कंट्रोलर, सीरीज एस वाला जो है ये 9,000 रुपये का है। 9,000 रुपये का है। और Xbox One का वायरलेस लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 6,500 रुपये का। 6,500 रुपये का ये पड़ जाएगा। सही है, सही है। और इसी में अगर आप Xbox 360 वाले जो हैं, जैसे ये गोल्डन एडिशन में है तो ये आपको मिलेगा 3,500 रुपये का। 3,500 रुपये का। और अगर इसका नॉर्मल लेंगे तो वो आपको मिलेगा 2,500 रुपये का। ये अपना वायरलेस की बात कर रहे हैं। और अगर वायर वाला चाहिए तो वायर वाला मिलेगा 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये जी। अच्छा, ये PS2 के भी कॉपी कंट्रोलर मौजूद है? कॉपी कंट्रोलर जो है वो 1,000 रुपये का है। ये टर्बो वाला जो है ये आपको मिलेगा 1,500 रुपये का। ये भी PS2 का है। ये PS2 का बेहतरीन है, क्या बोले बंदा। अच्छा, ये PS4 निकॉन है? निकॉन जो है ये 4,500 रुपये का। 4,500 रुपये का। सही है। Xbox 360 ओरिजिनल जो है ये 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का जी। वायर वाला सही है। यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, एक्शन फिगर्स भी आपके कुछ मौजूद हैं यहाँ पर, देखें तो ये गोकू वाला कितने का दे रहे हैं आप? गोकू वाला जो है वो आपको मिलेगा 2,500 रुपये का। 2,500 रुपये का, ये देखो कैसा बेहतरीन है। और ये बाकी ये कितने के दे रहे हो? बाकी जो हैं वो 1,000 से लेकर जो है वो 4,000 रुपये तक हैं। 1,000 से 4,000 तक के ये हैं, यानी कि उसमें ये भी इंक्लूड होता है? PS स्पाइडरमैन जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बड़ा है। सही है। तो यहाँ पर ये होगा, सिलिकॉन पाउचेस कितने के दे रहे हो आप? सिलिकॉन पाउचेस जो है वो 650 रुपये के हैं। 650 रुपये के। PS2 का ये वाला कंट्रोलर? PS2 का कंट्रोलर जो है ये जो है 1,200 रुपये का है। और ये जेन्युइन जो है ये भी 1,200 रुपये का। ये भी जेन्युइन है, ये आप दे सकते हो, ये 1,200 रुपये का ये दे रहे हैं। सही है। और वो भी 1,200 रुपये का दे रहे हैं, वो भी जेन्युइन है, वो कॉपी है, वो कॉपी है जी। वो डब्बा पैक है ना? डब्बा पैक है बॉक्स। और यहाँ पे आपको ये वायर्स वगैरह भी मिल जाएंगी अपना PS2 की। Xbox 360 ओरिजिनल वायर कितने? Xbox 360 ओरिजिनल वायर जो है वो 550 रुपये की है। AV वाली 550 रुपये की। और अपना क्या नाम है, पावर केबल जो है वो आपको मिलेगी 250 रुपये की। और PS2 की ओरिजिनल वाली जो है वो 350 रुपये की है। PS2 की ओरिजिनल जो है वो 350 रुपये की। पावर केबल 250 रुपये की है कॉपी। सही है। और यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे PS3 के गेम मौजूद है, Xbox 360 के गेम मौजूद है। सही। अच्छा, ये Xbox 360 का ये जो आपके मौजूद है ये माइक है इसका ना? जी जी। जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करने में जो है Xbox 360 का माइक यूज होता है। ये कितने का दे रहे हो? ये जो है ये आपको मिलेगा 1,200 रुपये का। ये 1,200 रुपये का। और ये ओरिजिनल माइक डब्बे से निकलता है, मुझे भी याद है, मैंने भी डब्बा पे जब लिया था तो ऐसा एक माइक निकला था। और क्या कहते हैं अपना ये वाला भी Xbox 360 का है। ये मिलेगा 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का। PS4 का जो है वो 4,000 रुपये का है। PC का जो है ये 4,500 रुपये। 4,500 रुपये का। अच्छा, ये PS3 के मूव जो है ये आपको मिलेगा 6,500 रुपये का। 6,000 रुपये का। सही है। और यहाँ पर अब हम आए तो ये आपके Xbox 360 के ये स्टेयरिंग व्हील मौजूद है। Xbox 360 के स्टेयरिंग व्हील जो है ये जो है आपको अगर विदाउट पैडल लेंगे तो ये आपको मिलेगा 12,000 रुपये का। सही है। विद पैडल जो है वो आपको मिलेगा 15,000 रुपये का। और ये PS3 जो है वो आपको मिलेगा 15,000 रुपये का विद पैडल टास्क मास्टर जी। और ये Xbox 360 विद पैडल जो है ये 15,000 रुपये का मिलेगा। और यहाँ पर Xbox 360 के काइनेक्ट भी मौजूद है। Xbox 360 के काइनेक्ट जो है वो 4,500 से 5,000 रुपये तक। 4,500 से 5,000 तक के। और ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील
ये स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलेगा 18,000 रुपए का विद पेंडल। ये भी PS3 और PC कंफर्टेबल है। गेम्स की तरफ आए तो आपके पास एलन वेग है PS5 का भी, तो क्या रेट है इसके? एलन वेग जो है वो आपको मिलेगा 6,000 रुपए का। और PS4 की गेम्स बायो हज़ार्ड जो है वो आपको मिलेगा 2,500 रुपए का। और रेजिडेंट ईवल 6 आपको मिलेगा 2,200 रुपए का। आउटलास्ट जो है वो 3,000 रुपए का मिलेगा। शेडो मर्डर 1,500 रुपए का मिलेगा। अनटिल डाउन जो है वो 2,000 रुपए का मिलेगा। गॉड ऑफ वार जो है वो आपको मिलेगा 4,000 रुपए का न्यू है। अच्छा, हिटमैन जो है ये आपको मिलेगा 2,500 रुपए का। पे बैक जो है वो आपको मिलेगा 3,000 रुपए का। नॉमन स्काई जो है वो 3,500 रुपए का है। केकिन 19 जो है 5,800 रुपए का। और मोटर कॉम्बैट 11 3,800 रुपए का है। टेकन 7 जो है न्यू है, ये 4,500 रुपए का मिलेगा। GTA 5 न्यू है ये आपको मिलेगा 4,800 रुपए का। लास्ट ऑफ पार्ट टू जो है ये आपको मिलेगा 4,800 का। रिमास्टर जो है वो आपको मिलेगा 2,200 रुपए का। हॉरिजन जीरो डॉन जो है वो मिलेगा 1,500 रुपए का। वॉच डॉग लीजेंस जो है वो 4,500 रुपए 4,500 रुपए का है। सही है। यहाँ पर हम आए, FIFA 20 कितने का दे रहे हो? FIFA 20 जो है वो 2,500 रुपए का है। 16 जो है वो 1,500 रुपए का है। 15 जो है वो 1,000 रुपए का है। 18 जो है वो आपको मिलेगा 1,200 रुपए का। Crew 2 जो है 3,000 रुपए का है। Need for Speed Rivals जो है वो 3,000 रुपए का है। Watch Dog 2 जो है वो 2,000 रुपए का है। और क्या कहते हैं, Batman जो है वो 2,500 रुपए का है। Street Fighter 5 जो है वो 3,800 रुपए का है। अच्छा, ये Assassin's Creed का आपका पूरा कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है जी। तो ब्लैक फ्लैग जो है वो 2,500 रुपए का है। ओरिजिन जो है वो 2,500 रुपए का है। सिंडिकेट जो है वो 2,000 रुपए का है। रिमास्टर्ड है ये 3,500 रुपए का। और वैलहला जो है वो 5,500 रुपए का है। SSN Remastered 3 है, 3 जो है 4,000 रुपए का। सही है। बैटलफील्ड के भी आपके अच्छे खासे कलेक्शन मौजूद है। कॉल ऑफ ड्यूटी कितने का दे रहे हो? कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड जो है वो आपको मिलेगा 5,500 रुपए का। कोल्ड वॉर जो है 5,300 रुपए का। बैटलफील्ड वन जो है वो आपको मिलेगा 1,200 रुपए का। 5 जो है वो आपको मिलेगा 3,000 रुपए का। बहुत तो तोशिमा 5,500 रुपए का। अच्छा, अनचार्टेड ये नेथन ड्रेक कलेक्शन जी। अनचार्टेड जो है वो आपको मिलेगा 3,000 रुपए का। अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2,500 रुपए का। थीफ जो है वो 2,200 रुपए का। अच्छा, वॉच डॉग वन जो है वो 1,800 रुपए का। और यहाँ पर हम आए, आपके पास और भी इसके अलावा एक और है, ये आपके पास पूरा कलेक्शन आया हुआ ना जी। ये अपना क्या नाम है, डेफिनेट एडिशन माफिया का ये मैं देखा। अच्छा, ये माफिया का आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेट एडिशन मौजूद है, ट्रिलॉजी मौजूद है पूरी। और जैसे कि मैंने कहा भी था, ये आप देख सकते हो Mafia 3 डेफिनेट एडिशन मौजूद है। एक है Mafia 3 नॉर्मल आया हुआ, सही है, एक ही डेफिनेट एडिशन, सही, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेट एडिशन लिखा भी है डिस्क पे। तो ट्रिलॉजी आपको 6,000 में मिल रही है, बेहतरीन प्राइसेस है। और यहाँ पे माइल्स मोरेलिस जो है वो 6,500 रुपए का है। और मैडमैक्स जो है वो 2,500 रुपए का है। 2,500 रुपए का, सही जी। अच्छा, फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि बेहतरीन प्राइसेस यहाँ पे दी गई हैं अपना अदनान भाई की तरफ से। अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है इस बार। और स्टेयरिंग व्हील जैसे कि Xbox 360 की डिमांडेड है, कि Xbox 360 के स्टेयरिंग व्हील्स की प्राइसेस पूछें तो यहाँ पे वो भी मौजूद है इस बार। और अपना PS3 का मूव्स और कैमरा भी मौजूद है। तो अच्छी खासी चीज़ें हमने इस बार कवर की हैं। तो फिलहाल आपको किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना मरियम एसेसरीज़ पर। अदनान भाई का नंबर, एड्रेस वगैरह सबको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोस का नोटिफिकेशन आप टाइम टाइम मिलती रहे। और मैं सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे हम ये फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।